खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा हुई। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिरातू पहुंचे और वहां पर 160 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सिरातू रेलवे यार्ड में 2-लेन रेल ऊपरगामी सेतु के निर्माण का शिलान्यास हुआ। इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे और वहां अपने पूज्य पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर सिरातू स्थित पैतृक निवास में हवन का अनुष्ठान किया। प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर आशीर्वाद की कामना भी की। इसके साथ ही अपने पिताजी के प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित निशुल्क जांच एवं उपचार कैंप का निरीक्षण किया और कैंप में आए सभी लाभार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की। केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद कौशाम्बी में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज कानपुर रेल सेक्शन के सिरातू रेलवे यार्ड में 2-लेन रेल ऊपरगामी सेतु के निर्माण का शिलान्यास किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने तकरीबन 160 करोड़ की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया, तब से मेरे मन में यह है कि सिरातू में एक रेल ओवर ब्रिज बन जाए तो यहाँ के लोगों का विकास तेजी से होगा और लोगों को यहाँ के जाम से और प्रदूषण से निजात मिलेगा। डिप्टी सीएम ने जनपद कौशाम्बी प्रवास के दौरान स्थानीय आमजनों एवं कार्यकर्ताओं के शिकायत पत्रों के समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। आज कौशाम्बी जनपद के सिरातू विधानसभा क्षेत्र में, विशेष तौर से सिरातू नगर के रेलवे ओवरब्रिज सहित लगभग 160 करोड़ की विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, जो सड़क है भी है, सेतु भी है, उनके शिलान्यास और लोकार्पण की प्रक्रिया पूरी हुई है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि सड़क और सेतु के मामले में हम जब संपन्न होंगे तो हमारा जनपद भी, हमारा प्रदेश भी और हमारा देश भी संपन्न होगा, आगे बढ़ेगा, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उनको अपने गाँव में ही सारी सुविधाएँ मिलेगी। मुख्यमंत्री जी इस समय गोरखपुर दौरे पे हैं, मुरारी बाबू जी की कथा पंडाल, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि बहुत जल्द एक खुशी मिलने वाली है प्रदेश को। नहीं, निश्चित तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका संकेत तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। 17 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो रही है और उसके अगले महीने श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से संबंधित फैसला आने वाला है। इसलिए अब रामलला का भव्य मंदिर, जो हर राम भक्त की प्रतीक्षा है, वो समाप्त होने वाली है, ऐसी हम आशा करते हैं। कई जगह सड़कें धस चुकी हैं जो 6 महीने पहले बनी हैं। नहीं, जो विभाग कहता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है, PMJSY, कोई देखिए सड़क कोई भी होगी, कोई भी गड़बड़ होगी, हम पूरी सरकार की ओर से कोई गड़बड़ अगर निर्माण करेगा तो बक्सा नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और देखते रहें ABT News।